जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी, 45 सेकंड का वीडियो और सबूतों की तबाही, पुलिस की मौजूदगी में ऐसे मिट गए सुराग। कोलकाता कांड के बाद पूरे देश में आक्रोश है, गुस्से का माहौल है। अजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी अब संदीप घोष के खिलाफ जांच शुरू कर दी। संदीप घोष पर क्राइम सीन से सबूतों को मिटाने के इल्जाम हैं। उसी क्राइम सीन की तस्वीरें भी पहली बार सामने आई, जहां का मंजर देखकर हर कोई हैरान है। अर्जीकर दुष्कर्म और जान लेने के खिलाफ कोलकाता में चल रहे 99 मार्च के बीच सामने आए एक वायरल वीडियो ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया। 45 सेकंड का ये वीडियो 9 अगस्त की सुबह के उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जा रहा है, जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, यानी अर्जीकर अस्पताल के सेमिनार रूम का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि सीन ऑफ क्राइम में बीसियों लोगों की भीड़ खड़ी है, एक दूसरे से लोग बात कर रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद हैं, यानी खुद पुलिस वालों की आंखों के सामने लोग सीन ऑफ क्राइम पर मजमा लगा कर खड़े हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं कर रही। कोलकाता पुलिस ने इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन पुलिस का कहना है कि तब तक उन्होंने शव के इर्द गिर्द वाली जगह को क्वार्डन ऑफ कर दिया था, यानी कि घेर दिया था, और ये लोग उस घेराबंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की सफाई से ये बात साफ है कि इतने सारे लोग अंदर हॉल में आए कैसे, और उस वक्त जब हॉल में शव पड़ा है। सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना सबसे बड़ी जरूरत थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का भी दावा है, जिसमें अर्जीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु दे, अर्जीकर के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवाशीष सोम का नाम शामिल है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे थे। अजीब बात है ना, इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के भी लोग हैं, जिनके कायदे से यहाँ होने का कोई तुक नहीं बनता। सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि क्या सचमुच सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, सबूतों की तबाही की गई, और ये 45 सेकंड का वीडियो चीख चीख कर गवाही दे रहा है।